हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जौरफ अड्डा के साथ। तो बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के बारे में। डी ट्रिपल एस बी सबसे पहले तो होता क्या है, क्या जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, क्या बाकी के हमारे जो एग्ज़ाम है उनसे अच्छी इसकी पावर होती है या उनसे अच्छी इसकी सैलरी होती है, वो हमारा एक छोटा सा जो है डिस्कशन होने वाला है। अब सभी को पता है डी ट्रिपल एस बी में हमारे पास टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों हमारे पास पोस्ट हैं। तो हम SST चाहे हम 10+2 लेवल का दे रहे हैं, चाहे हम CGL लेवल का दे रहे हैं, तो क्या क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या, कि मतलब SST CGL से भी अच्छा कोई ऑप्शन हमारे पास हो सकता है क्या, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जौरफ अड्डा नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको मिलता है इस चैनल पे कम्प्लीटली DSSSB की प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं, चाहे आपका जर्नल पेपर है, चाहे आपका TGT PGT का एग्ज़ाम है। ठीक है जी, क्लासेस जो हैं कंटिन्यू चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं DSSSB पे पूरे अच्छे तरीके से डेडिकेटेड होके क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। तो जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब करना है। बात करूँ DSSSB की, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या है DSSSB, दैट इज़ डेली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बॉडी है कहाँ पे सर, हमारे दिल्ली में, चाहे आपका टीचिंग एग्ज़ाम है, चाहे आपका नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की तो बॉडी है ही, साथ में पूरा ओवरऑल जैसे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है SSC, उसी तरीके से हमारा काम करता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। एक बोर्ड है, एक बात करें इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में सारी चीज़ें, चाहे आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे कोई और विभाग है दिल्ली में, ठीक है जी। दूसरा, सभी को पता है कि सर 2024 में DSSSB की, स्पेशली अगर मैं टीचिंग की बात करूँ, हमारे पास अभी नर्सरी टीचर की और PGT की वैकेंसीज हैं। 9th of January से जो है फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि TGT और PRT की भी वैकेंसीज बहुत जल्दी जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना। अराउंड TGT में तो 6000 से ज़्यादा जो है आपके पास बम्पर वैकेंसी DSSB में आ रही है, ठीक है। दूसरी, ऑन दी अदर एंड अगर मैं बात करूँ नॉन टीचिंग में भी जो है आपके पास वैकेंसी देखने को मिली है। अब मैं आपके बताता हूँ कि क्यों हमारा अच्छा है DSSB। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, बात करूँ सैलरी की, सैलरी में बात करूँ दो ही टीचिंग एग्ज़ाम मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे आपका KVS है, चाहे आपका DSSB है। अगर मैं DSSB को रखूँ, मतलब प्रायोरिटी बेसिस से बात करूँ, तो DSSB वुड बी माई फर्स्ट चॉइस, क्योंकि सैलरी है ना काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। एज अ PGT में बात करूँ, अगर आपके लगती है, मतलब PGT का जो बेसिक सैलरी होता है ना 46,700 रुपये कुछ अपने पास होते हैं, प्लस HRA भी अपन को काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, और बहुत सारे जो अलाउंसेज हैं वो हमें मिलके आराम से मेरी जो सैलरी है बढ़िया अच्छी खासी हो जाती है। पहली चीज़, पावर की बात करूं, पावर इज़ नॉट दैट सेंस कि बहुत बस येस, दिल्ली में सरकारी स्कूल में अगर आप टीचर हैं, है ना, तो वो तो टीचिंग वाली बात होगी, बिल्कुल सही बात है, एक अपना ही एक अहदा होता है। और अगर नॉन टीचिंग पोस्ट में भी आप दिल्ली में हैं, तो हमारे जो आसपास वाले लोग हैं, हमारे जो फैमिली वाले हैं, रिलेटिव वाले हैं, एक अपने आप सरकारी नौकरी बनते ही एक अपने आप ही अपना एक बढ़िया ऑरा हो जाता है, आप लोगों को पता है ये। बात करूं पोस्टिंग की, पोस्टिंग का कोई हमें झंझट होता नहीं है, पोस्टिंग हमारे दिल्ली में ही रहती है। तो हर सरकारी नौकरी में हमें थोड़ा सा, जैसे KVS की मैं बात कर लूं, तो वहाँ पे आपकी आपका जो ट्रांसफ़र है टाइम टाइम पे होता रहता है, बट दिल्ली में है, दिल्ली में ही पढ़ाना है आपको ज़िंदगी भर, तो कोई हमें ट्रांसफ़र का खतरा है नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि DSSB एक अच्छा चांस जो है आपके लिए और हमारे लिए हो सकता है, अगर इस बार हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो। आई नो पोस्ट ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, सॉरी पोस्ट हमारे पास कम है, कंपटीशन हमारे पास ज़्यादा है, बट ध्यान में हमेशा एक ही चीज़ रखनी है कि पढ़ोगे तो सारी चीज़ें हो पाएंगी, उसके लिए अगर अपन प्रिपरेशन करेंगे सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी। ऐसी बात नहीं है मेरे बोलने से और आपके सुनने से कुछ नहीं हो पाएगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो बस उसी के मद्देनज़र रखते हुए वापस से बता देता हूँ, क्लासेस ऑलरेडी बैच मैंने फ्री बैच स्टार्ट कर दिया है, चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GK है और PGT कॉमर्स का मेरे द्वारा जो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। इंग्लिश कैरल मैम विल बी टेकिंग फॉर यू, चाहे आपका इंग्लिश आपका पैडागॉजी वाला है, पैडागॉजी इन द सेंस आपका मेन पेपर है, चाहे आपका जर्नल पेपर है, तो बिल्कुल आप चैनल पे आके सब्सक्राइब करके अच्छे से DSSB के एग्जाम को कर सकते हैं क्रैक।
तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटो यही था कि एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या अहमियत है D SSS B के और मैं खुद क्यों पीछे पड़ा हुआ हूँ D SSS B पे। चैनल पे आप देख सकते हैं फोकस अपना D SSS B पे, ये EMRS हो गया, D SSS B हो गया, कुछ KVS हमारा हो गया, कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं ना जिनमें नौकरी लगने के बाद भाई मजे ही मजे हैं, बात ऐसी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही समझाना चाह रहा हूँ। तो सेशन को बिल्कुल अगर आपको पसंद आया है, अगर कुछ सीखने को, अगर आपको जानने को कुछ मिला है, तो बिल्कुल आप लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा एंड शेयर करेगा सेशन को। मिलते हैं रात को 9 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।